हेलो एवरीवन, दिव्यास पर किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे सारे स्टेट, सारे रीजन और सारे घरों में बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इसका नाम है पॉम्फ्रेट फ्राई। पॉम्फ्रेट फ्राई को आज मैं अपने स्टाइल से बनाऊंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट बन के तैयार भी हो जाती है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉम्फ्रेट फिश फ्राई बनाने के लिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। ये मैंने दो मीडियम साइज़ के पॉम्फ्रेट लिए हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके ऐसे कट्स लगा के रख दिए हैं। और एक छोटा चम्मच मैंने जीरा और काली मिर्च का पाउडर लिया है। एक छोटा चम्मच मैंने ये धनिया का पाउडर लिया है। दो बड़े चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। दो छोटे चम्मच मैंने ये बेसन लिए हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने ये फ़िश फ्राई मसाला लिया है। इसके जगह आप चिकन तंदूरी मसाला भी डाल सकते हो। और नमक स्वाद के अनुसार लेंगे। और दो छोटे चम्मच मैंने ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, इससे कलर अच्छा आता है। और आधा छोटा चम्मच मैंने ये हल्दी लिया है। और ये रिफाइंड ऑयल लेंगे इसको फ्राई करने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉम्फ्रेट को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए एक बोल में ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर ये हल्दी पाउडर और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर और ये जो फिश फ्राई मसाला रखा था उसको भी डाल देते हैं और ये धनिया और जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। और ये बेसन भी डाल देंगे और ये नींबू का रस और इसी में मैं ये नमक भी डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इस पर पॉम्फ्रेट पे लगा देती हूँ। इसको ऐसे लेंगे और इसको जो कट किया था उसमें अच्छी तरह से ऐसे अंदर डाल देंगे मसाले को। अच्छी तरह से मसाले को अंदर लगाएंगे और फिर इसके अंदर भी ऐसे लगाएंगे। सब तरफ से अच्छे से मसाले को लगा लेंगे। तो अभी मैंने मसालों को अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। इसमें जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो मैंने मिक्सी में पानी डाल के थोड़ा पीसा था, इसलिए वो गीला था तो वो अच्छी तरह से कोट हो गया है। लेकिन अगर आपके मसाले सूखे हैं तो आप इसमें एक दो चम्मच ऑयल डाल सकते हो मिक्स करने के लिए, या एक दो चम्मच पानी मिला के उसको मिक्स करके और फिर इसके ऊपर लगा सकते हो। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, जिससे ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। तो आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। आधे घंटे हो गए हैं, मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो अभी मैंने एक पैन रख दिया है, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और तेल अभी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं ये पॉम्फ्रेट को डाल देती हूँ। ऐसे डाल देंगे अब ये एक साइड में एक दो मिनट हो गया है। तो अब मैं इसको पलट लेती हूँ। अब इसको ऐसे धीरे से अभी इसको धीरे से ऐसे खा के ऐसे पलट देंगे। आप इसको दो स्पून से भी ऐसे पकड़ के और ऐसे पलट सकते हो। ऐसे पलट लेंगे इसको। इसमें जो मैंने बेसन डाला है, आप इसके जगह चाहो तो आप बाद में भी बेसन और रवा को मिक्स करके और उसमें इसको कोट करके भी डाल सकते हो।
तो अभी एक दो मिनट हो गया है, मैंने दोनों तरफ से इसको पलट के फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अभी इसको निकालने के लिए मैं फिर से इसे स्पून से ऐसे करके पकड़ के और इसको टिश्यू पेपर पे रख लेती हूँ। ये मैंने किचन टॉवल पे निकाल लिया है, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें अब्सॉर्ब कर लेगा। तो देखिए ये पॉम्फ्रेट फ्राई बनके तैयार है, मैंने इसको सर्व कर दिया है। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हो। इसके साथ मैंने ये प्याज के थोड़े से स्लाइसेस और नींबू के स्लाइसेस रख दिए हैं, जिससे ये देखने में अच्छा लग रहा है। तो आप मेरे स्टाइल से बनाइए, खाइए और अपने कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।